लास्ट मिनट बोर्ड एग्जाम टिप्स आपके साइंस के एग्जाम के लिए। स्टार्ट करते हैं डायग्राम से। किससे बनाना है? पेन या पेंसिल? पेंसिल से बनाना है डायग्राम, और लेबलिंग वही करनी है जो या तो क्वेश्चन में पूछी हो या आप उसके लिए बहुत कॉन्फिडेंट हो। ऐसी लेबलिंग जिसके लिए आप कॉन्फिडेंट नहीं हो उसे अवॉइड करना, क्योंकि नहीं करके आओगे तो शायद नंबर ना कटे, लेकिन गलत करके आओगे तो नंबर जरूर कट जाएंगे। नंबर टू, डायग्राम्स हमें बनाने होते हैं पेंसिल से, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि पेन ऐसा चूज करना चाहिए जो पीछे वाली बैक साइड के पेपर पे अपना प्रिंट ना छोड़े, वरना पेंसिल से बनाए हुए डायग्राम्स आपको दिखेंगे नहीं अगर आपका पेन इतना ब्लीड कर रहा है कि ऐसे आपकी शीट एम्बॉस हो जा रही है। टिप नंबर थ्री, आंसर शीट के लास्ट पेज को आप रफिश बना सकते हो या फिर वाइड मार्जिन ड्रॉ करके उसमें भी आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स की कैलकुलेशन कर सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन जब भी करना तो वो पेंसिल से करना, क्योंकि अगर टाइम बचा तो आप उसे रब भी कर सकते हो, पेपर थोड़ा और नीट लगेगा। टिप नंबर फोर, ऐसा यूनिट्स का आपको रखना है ख्याल, और जहां पे भी आप फॉर्मूला लिखे उसे करना है हाईलाइट, साथ में मेन आंसर को भी हाईलाइट करके आना है न्यूमेरिकल्स के अंदर। टिप नंबर फाइव, चॉइस वाले क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता हो सिर्फ वही अटेम्प्ट करना है, दोनों भी अटेम्प्ट कर दोगे तो भी मार्क्स उतने ही मिलने हैं। और इंग्लिश का एग्जाम देके जब बच्चे आए तो उन्होंने मुझे इतने सारे मेल ड्रॉप किए कि मैम हमने विजुअली चैलेंज वाला सेक्शन गलती से अटेम्प्ट कर दिया है, तो क्या उसके नंबर मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। अगर आप उस सेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं है तो विजुअली चैलेंज वाला सेक्शन आपके लिए नहीं है। टिप नंबर सिक्स इज माई लास्ट टिप, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर आंसर के साइड में उसका आंसर नंबर अच्छे से लिखना है, और जब आप डायग्राम बनाओ तो उसकी हेडिंग भी लिखनी है और साथ में आंसर नंबर भी लिखना है। सो आई होप कल का पेपर आपका जाएगा बहुत अच्छा। अगर ये टिप्स काम आए तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।